नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये झूठ है, एक साजिश है योर ऑनर। एक नामी बिजनेसमैन और एक अच्छे शहरी को बदनाम करने की तरकीब है। जरा गौर तो फरमाइए योर ऑनर कि इस झूठे और बेबुनियाद केस के गवाह कौन कौन हैं? इंस्पेक्टर विजय, मिस मीना श्रीवास्तव, ये दोनों हवलदार, ये सब पुलिस के आदमी है योर ऑनर। मैं पूछता हूं, इनके पास पुलिस के अलावा कोई और गवाह है? नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है योर ऑनर कि साजिश करने वाले खुद ही शिकायत करने वाले बन गए और फिर गवाह भी बन बैठे। आई अश्योर यू योर ऑनर कि इस केस की बुनियाद जाती दुश्मनी की बिना पर है। योर ऑनर, मैं मिस्टर विजय से एक बहुत सीधा सादा सा सवाल कर रहा हूं। फॉर दैट आई बेग फॉर योर अटेंशन योर ऑनर। मिस्टर विजय, आपकी मिस्टर जॉली से पर्सनल दुश्मनी है या नहीं? मैंने आपसे एक सवाल पूछा है मिस्टर विजय। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मैंने अपने सवाल का जवाब चाहा है इनसे, सिर्फ हाँ या ना में। मिस्टर विजय, आपने गीता पे हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है, बताइए आपकी मिस्टर जॉली से दुश्मनी है या नहीं? Yes, मिलॉर्ड। नोट डाउन दिस पॉइंट योर ऑनर। थैंक यू मिस्टर विजय, यू कैन गो। योर ऑनर, अगर कानून के रखवाले कानून अपने हाथों में लेकर उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो इस गरीब जनता का क्या होगा? देश के कानून का क्या होगा? इस देश का क्या होगा? दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस में मिस्टर जॉली के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से अदालत मिस्टर जॉली को बाइज्जत बरी करती है और इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा को वार्निंग देती है कि यह अदालत आपसी झगड़े के लिए नहीं बल्कि कानून की रक्षा के लिए है। आप मुझे बाइज्जत बरी होने की मुबारकबाद नहीं देंगे इंस्पेक्टर विजय? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? जुर्म की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। मैं जानता हूं इस लड़ाई में तुम्हें कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन विजय, जानते हो ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उन हथकंडों और गंदे तौर तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो तुम्हारे खिलाफ किए जाते हैं। मगर यह क्यों नहीं? जंग में हर चीज जायज है। अगर एक बड़ी सच्चाई की हिफाजत और रक्षा के लिए हमें कभी कहीं एक छोटा सा झूठ या छोटी सी गलती करनी पड़े तो कोई गुनाह नहीं। जाओ, कैरी ऑन एंड गुड लक। यार हम तो बहुत बोर हो जाएंगे, अभी बता रहे हैं कि शिप छूटने में 8 घंटे बाकी हैं, इतनी देर करें क्या? अजीब आदमी हो तुम, जहाजी होकर इतना भी नहीं जानते कि खाली वक्त कैसे गुजारा जाता है। क्या मतलब? हर सेलर को इतना पता होना चाहिए कि दुनिया की किस पोर्ट पर शामें कैसे गुजारी जाती है। बाकी जगह की छोड़, ये बता यहां कैसे गुजरती है? जानना चाहता है तो चल मेरे साथ। जिसको भी मारा मौत ने ही मारा, ओ जिसको भी मारा मौत ने ही मारा, मुझे मौत ने नहीं। मुझे मौत ने
मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन वहां होगी, उन गंदी नाचने वालियों के बीच। मां के बराबर इज्जत करता था मैं उसकी, और वो इतनी नीच, इतनी गई भी थी। बात। आरती के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। आज तुम जो कुछ भी हो उसी की वजह से हो। मैं बताता हूं तुम्हें, वो मां कैसे पहुंची। दीदी ने जिंदगी में इतनी तकलीफें सही, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे होते इतना सब हुआ। और मैं भूल जाओ वो सब संजू, आरती से जाकर माफी मांग लो, और आइंदा जब कभी भी अपनी दीदी के बारे में सोचना तो उन मुसीबतों को मत भूलना जिनसे आरती को गुजरना पड़ा है। एक बात पूछो, आप तो सब कुछ जानते थे, सब समझते थे, फिर आपने क्यों नहीं थाम लिया दीदी का हाथ? तुम कोई ऐसा काम करते जिससे तुम्हारी मां को तकलीफ पहुंचती। आई अंडरस्टैंड। मैं संजय वर्मा, आरती वर्मा का भाई। अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब आज तुझे लूंगा हरामजादे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जोड़ने में तुझे हरामजादे, तुझे जान से मार डालूंगा। अरे हट, हट मुझे, जोड़ने में तुझे, अरे हट, हट। संजू सीरियस? कहाँ? जीटी हॉस्पिटल? सीरियस, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। संजू, संजू, संजू आंखें खोल, आंखें खोल, मैं तेरी दीदी हूँ। संजू प्लीज, संजू आंखें खोल, मैं तेरी दीदी, प्लीज, प्लीज। कोशिश कर बेटा, प्लीज। कैसा है तू? नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सब...
तुम अकेली कैसे रहोगी? मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जाना तो है। एक दिन अचानक डैडी हमें छोड़कर चले गए, और फिर उसी तरह से माँ। अब तुम्हारा मेरे सिवा और मेरा तुम्हारे सिवा है कौन? तुमने हमेशा मुझे हिम्मत देने के लिए अपने दिल का दर्द, अपनी आंखों के आंसू छुपाए हैं। आज मेरे जाने के बाद ये आंसू बहा देना, शायद दिल हल्का हो जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। एक तरफ इंसान के बनाए ये कानून और दूसरी तरफ अल्लाह का दिया ये बूढ़े बाप का एक दिल। या अल्लाह, किस उलझन के इस इम्तिहान में डाल दिया है तूने? बेटी, ये कारतूस की पेटी और ये बंदूक संभालो, मैं नमाज पढ़ के आता हूं। Thank you.
पागल हो गई हो क्या? अपने हाथ में कानून को ले रही हो क्या? मुझे, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसका खून कर दिया, उस पापी को मैंने मार दिया। चलिए, कोर्ट का टाइम हो गया। सजाए मौत किसे और क्यों? ये गलत है, सरासर झूठ है, ना इंसाफी है मिलोट। शायद प्रोसिक्यूशन के वकील ये नहीं जानते कि खून जॉली का नहीं, आरती वर्मा का हुआ है। और ये खून किया है जॉली ने, मैंने, इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा की मां ने, इस समाज ने, हम सब ने। धीरे धीरे बार बार आरती वर्मा का खून किया है मिलोट। आरती का खून उस दिन हुआ था जिस दिन जॉली ने उसकी इज्जत पर हमला किया था। आरती का खून उस दिन हुआ जिस दिन मैंने उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया। और आरती का खून फिर हुआ जब विजय की मां ने उसे स्वीकार नहीं किया। और उस दिन भी हुआ जब पहली बार आरती ने अपना सर छुपाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक नाचने वाली के कोठे पे कदम रखा। और मिलोट, आरती का आखिरी बार खून तब हुआ जब उसका अकेला भाई भी मारा गया। खून बार बार, हर बार आरती का ही हुआ है मिलोट। अगर आरती की जिंदगी की सच्चाइयां आपके जज्बात को नहीं छूती तो दे दीजिए आरती को सजा। कानून के दुश्मनों के गंदे हाथों से बार बार की मौत से बेहतर होगा कि यह औरत एक बार कानून के हाथों, कानून की कलम से मारी जाए। That's all, Your Honor. ये अदालत मुलजिमा आरती वर्मा को दफा 300 इंडियन पैनल कोड के तहत नरहत्या के जुर्म में दोषी ठहराती है, लेकिन कातिल करार नहीं करती, क्योंकि ये कत्ल संजीदा हालत में मुलजिमा को बर्दाश्त के हद के बाहर तक उकसाने से किया गया। दफा 308 इंडियन पैनल कोड के तहत 2000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद आरती वर्मा को बाइज्जत बरी किया जाता है। बेटी, बगैर सोचे समझे मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बड़ा दुख दिया है मैंने तुम्हें, इसलिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती, तो तुमसे माफी कैसे मांगू? नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ है। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है, तुम हो मेरी जान, दुनिया से मुझे क्या काम है। मुझे क्या काम है।